आज हम बनाएंगे पालक पनीर की सब्जी, जो कि बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट के हिसाब से बनाई जाती है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है। तो सेम मैं उसी टाइप से आपको बनाऊंगी। और ये पालक पनीर हर किसी को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा आई होप। तो आज हमने पालक पनीर बनाया है, तो इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो आप मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पहले हम पालक लेंगे। सो हमने ले लिया है, ये पालक है आधा केजी, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो हम लोग के लिए आधा केजी पालक काफ़ी रहेगा। तो सबसे पहले इसे अच्छे से वॉश करना है, तो मैंने इसे वॉश करके रख ली थी, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें जो धोए हुए पालक है वो ऐड करेंगे। पनीर को अच्छे से उसका कलर ग्रीन रहने के लिए हम डालेंगे 1 टीस्पून शुगर। मेरे पास शुगर पाउडर है, आप कोई भी चीनी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया है, जिससे ये पत्ते का कलर नहीं जाएगा, बिल्कुल ग्रीन रहेगा। तो ये है इसका सीक्रेट। तो हमने डाल दिया है और इसे अच्छे से 10 मिनट तक बॉयल करेंगे। फटाफट से ढक देते हैं और 10 मिनट तक का वेट करते हैं। फटाफट से देखते हैं कैसा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि उबालने के बाद भी इसका कलर बिल्कुल नहीं गया है, तो वो है शुगर की वजह से। तो इसे थोड़ा और पकाएंगे और उसके बाद इसे निकाल के ग्राइंडर में डालेंगे। तो अभी वेट करना पड़ेगा, तब तक हम एक बाउल में लेंगे ये बर्फ और इसमें डालेंगे पानी, तो जिससे ये ठंडे में डालना है उसे निकालने के बाद, जिससे उसकी कलर बिल्कुल बरकरार रहे ग्रीन टाइप से। तो ये जब तक पानी चिल्ड हो रही है तब तक हम उसमें वेट करते हैं, उसके बाद उसे इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड्स टाइम लग गया है, तो ये अच्छे से पक चुका है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पालक बनने में टाइम नहीं लगता है। तो अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और पालक इसे निकाल लेंगे। पालक को फटाफट से निकाल के और इस बिल्कुल ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे। इसी टाइप से सारे निकाल लूँगी। हमने सारे निकाल लिए हैं बाउल में, तो ये ठंडा हो चुका है। तो उसके बाद अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। कि हमने इसे निकाल लिया, साथ में ग्रीन चिली और लहसुन भी डाल दी हूँ। तो अब इसे हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे, पानी डाल के इसे ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड हो गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे बिल्कुल पेस्ट की जैसे, वो सारा निकाल लेंगे। फ्रेंच बिल्कुल लिक्विड हमारी तैयार हो गई है, तो फटाफट से छौंका लगाने के लिए सारे सामान रेडी करते हैं। फ्रेंड्स ये सब चीज़ों को हमने चॉप कर लिया है, एक हरी मिर्च लिया है हमने, एक लहसुन बड़ी कली का, एक छोटा टमाटर, एक ओनियन, दो सूखी मिर्च और एक तेज पत्ते। तो ये सब मैंने पहले से चॉप करके रख ली हूँ, तो क्योंकि इसे आसानी होता है फटाफट से छौंका लगाने के लिए। तो साथ ही हमने दही ली है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और साथ ही हमने पनीर लिया है, ये हमारी घर की पनीर बनी हुई है, इसे मैंने फ्रिज में रखा था। तो सबसे पहले हम इस पनीर को फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्की। तो चलिए फटाफट से रेडी करते हैं। फ्राई पैन अपने हीटर पर चढ़ा लेंगे और गैस की फ्लेम को कर लेंगे तेज। जब तक हमारा फ्राई पैन गर्म होता है, हमारे गर्म हो गए हैं फ्राई पैन, तो साथ ही हम डालेंगे घी, 2 टीस्पून घी डालेंगे और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि ये दोनों के टेक्सचर से बहुत अच्छी सब्जी का कलर आएगा। और हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट वाले पनीर, पालक पनीर की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में, तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। गर्म हो गए हैं तो 1 टीस्पून डालेंगे हम जीरा, साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून हींग, तेज पत्ता जो हमने लिया था और 2 सूखी मिर्च, इन सबको हल्का फ्राई करना है। देंगे कटे हुए लहसुन, जो कि पालक पनीर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लहसुन का, साथ ही डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई और इन सबको हल्का फ्राई करेंगे। इसका फ्राई हो गया है, साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज कटे हुए, इसका ब्राउन करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, डालेंगे दूसरा फ्राई पैन पनीर को फ्राई करने के लिए और गैस की फ्लेम को कर देंगे तेज।
कपड़े अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर हाफ स्पून, स्पून साल्ट को अच्छे से मिक्स कर देना है। मसालों को धीमे धीमे आंच में भून लेंगे जब तक हमारा मसाला सही से ना पक जाए। पैन हमारा गर्म हो चुका है, साथ में इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमें पनीर को फ्राई करना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 स्पून अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, वो अच्छे से चला लेंगे। गर्म हो गया है तो ये पनीर डाल देंगे, वो हल्का हल्का भूनना है। मसाले हमारे भून गए जो कि नीचे चिपकने लग गए हैं, तब इसमें हम डाल देंगे दही, ये जो हमने लिया था वो ऐड कर देंगे, वो अच्छे से मिला लेंगे। पालक पनीर में दही डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कलर बहुत अच्छे आते हैं और स्वाद बहुत अच्छा लगता है। धीमे धीमे आँच में पकाएं, दही डालने पे कितना अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा हम आपको बना के दिखाएंगे। टेस्ट तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इस टाइप से बनाएंगे तो आपकी पालक पनीर बिल्कुल ढाबे जैसी बनेगी। हमने ये लिक्विड तैयार करके रखा था पालक, हरी मिर्च और लहसुन का, तो इसे अब इसमें डाल देंगे। देख पा रहे होंगे किस टाइप से ये बना है और बिल्कुल ग्रीन है पालक का कलर, पालक का कलर बिल्कुल भी नहीं गया है। तो इसे अच्छे से 1 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि पालक हम पहले से उबाल करके ग्राइंड कर दिए थे। इसमें अच्छे से उबाल आ गई है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून के आसपास। हमने गरम मसाला डाल दिया है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। डाल देंगे ये पनीर जो कि हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर किया था, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हल्का। मैंने घर का पनीर यूज किया है, आप कोई भी पनीर यूज कर सकते हैं, मार्केट से ला के भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने जानबूझ के घर का पनीर बनाया, क्योंकि US में पनीर नहीं मिलते हैं अच्छे, तो मैं घर का ही पनीर बनाई हूँ। और हमेशा जब भी बनाना होता है तो मैं घर में ही पनीर बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पालक पनीर तो सबको पसंद आता है, मुझे तो बहुत पसंद है पालक पनीर। आप भी इस टाइप से ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगा, बनाने में बहुत ईजी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे कुछ देर के लिए पकने के लिए करीबन 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए 1 मिनट हो गया। चलिए प्रॉपर से देखते हैं। देखिए अच्छे से पक गए हैं हमारे पालक पनीर, और ये बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस पर फ्लेम कर देंगे बंद। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पालक पनीर बिल्कुल बन के रेडी है, बिल्कुल सिंपल और इजी टिप्स में आप भी इस टाइप से बना सकते हैं, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही। यकीनन मानिए आप इस टाइप से बनाएंगे तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। जब भी छुट्टी हो आप इस टाइप से बनाएं और इन्जॉय करें। तो फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे पालक पनीर का, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।